अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार ओमनगर में डेंगू महामारी से लोगों बुरा हाल बना हुआ है, जिसके चलते एक और मासूम बालक की मौत हो गई। स्थानीय क्षेत्रीय पार्षद पर सफाई न कराने का आरोप लगा रहे हैं। मामला है थाना लाइन पार के ओमनगर वार्ड नंबर 19 का, जहां बुधवार को 2 साल की खुशी नामक बालिका की डेंगू से मौत हो गई। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है, क्षेत्रीय पार्षद को सफाई व्यवस्था को लेकर फोन किया तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर फटकार लगा दी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देवेंद्र, मैंने फोन किया, मेंबर को बुलाया मैंने, मेरे मतलब उसमें बीमारी फैल रही है, बहुत डेंगू है गया केहु बच्चन को, और मैंने ये बोला कि मतलब आप आके देखो मेरे यहाँ पे बच्चा, मेरी गली में मेरे पड़ोसी का बच्चा खत्म हो गया। इसने डायरेक्ट मुझसे क्या कहा, सारी गली वाले जाओ और जाके वहाँ पे मतलब ये बोल दो जाके कि FIR करे आओ और देखे कौन सा मेरा बार बनाएगो। पूरी कार्रवाई मैंने मनीष सिसिया के पास फोन किया, उनने भी फोन नहीं उठाया। मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया, किसी ने कोई बात करने की जरूरी नहीं समझी, किसी का दर्द नहीं कोई जानता है, किसी का कोई काम नहीं करता, कोई भी सुनवाई नहीं करता, कभी झकता ही नहीं है, बस सिर्फ वोट मांगने आया, तब सबके पैर चूरा था, सबको मतलब पैसे दे के वोट मांगे इसने कि वोट दो। और जब ये पार्षद बन गया तब भी इसने किसी की सुनवाई नहीं, मतलब जो आवास दिलवाता है उसके आवास में मतलब रिश्वत खाता है। मेरा नाम मंजेश कुमार, ओम नगर है। घटना क्या है, इस तरीके से ये बच्चा मर गया है डेंगू की वजह से, ये गंदगी बहुत फैल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, दो दिन हो गए परेशान होते हुए, और इन्होंने भर्ती कराया था डॉक्टर राजकुमार के, आज खत्म सुबह हो गया। तब से किया हमने, सुनील शर्मा से भी किया हमने, और उस क्या नाम है देवेंद्र से भी किया, मनीष असीजा से भी किया, इस तरीका से जैसे कोई गर्म डॉक्टर बात करते है, इस तरीका से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। सीजा जी ने कहा कि क्या नाम है, उन्होंने पूछा कब खत्म हुए, कैसे खत्म हुए, और कुछ गर्म आवाज में उन्होंने सीजा जी ने बात की इस तरीका से, हम इतनी मददगार हैं उनके, क्योंकि हर बार में वोट डलवाते हैं उनके उनके प्रति, इस तरीके से मतलब लेडीज क्यों बात कर रही है, इस तरीके से क्यों रो रही है, इससे दूर हटो, हम तुम्हारी मदद तो करना चाहते हैं, तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो उनकी रिपोर्ट बताओ, ये और ये बताओ, निरी बातें उन्होंने पूछ डाली, कोई संतुष्टिजनक हमको जवाब नहीं मिला कुल मिला के। हालांकि हम परेशान हो गए, पर हमने काट दिया, रिपोर्ट हमारे पास तैयार है, कोई संतुष्टिजनक जवाब ही नहीं कोई देने के लिए तैयार है, जबकि सौरा ओम नगर संत नगर से सारा बोर्ड उन्हीं को मिलता है। फिर भी एक बात बताइए, हम लोग जिताते क्यों हैं, इसीलिए जिताते हैं क्योंकि कोई हमारा काम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हमारी मदद हो, अब हमसे ही इस तरह आई जाएंगे, हमारी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। महीना का बच्चा था, हमारी बच्ची थी सिद्धि नाम, उसमें डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी के पास भी गई थी हम, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया था, उन्होंने शाम को बोला कि आपकी बच्ची ठीक है, उन्होंने घर भेज दिया, जब उसको दिक्कत हुई हम सुबह लेके गए, उन्होंने मना कर दिया, हाँ सुबह भी बोला था उन्होंने नॉर्मल है, लेकिन मैं भर्ती नहीं करूँगा, आप जहाँ पे ले आना चाहूँ वहाँ पे ले जाओ, मैं गया था फिर सीधे ट्रामा सेंटर, वहाँ पे मना कर दिया, ये बोले थे इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सामने मिल जा रही है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई प्रशासन ने कोई ऐसा मतलब संशोधन किया कि जिससे हमको तसल्ली हो, वहाँ पे बैठे बैठे घंटा हो गया रोते रोते, ऐसे मतलब कोई बंदा नहीं था जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होता।